एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ पूजा। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जो आपके दाग धब्बे होते हैं या फिर जो पिंपल के पुराने से पुराने दाग धब्बे वो हटते नहीं है जल्दी, उनको कैसे हटाएं और इसका कैसे उपचार करें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि काले दाग को कैसे एकदम जल्दी से जल्दी हटा सके, उनका एकदम रामबाण इलाज में इस वीडियो में आप सबके को बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और जिन लोगों की स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो उन वो इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये रेमेडी बहुत स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से जिन लोगों की स्किन ऑयली टू सेंसिटिव है तो उन लोगों को किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरे वीडियोस पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका सबसे पहले लुत्फ उठा सके। और अगर ये मेरा वीडियो आप सबके को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसे एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैं कुछ आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो आप तक पूरी तरीके से पहुंच गया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि हमें इस रेमेडी को कैसे बनाना है। तो इस रेमेडी में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो आपको इजीली किचन में मिल जाएंगी तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपके किचन में ही है तो बस उसी को निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए टोमेटो यानी कि टमाटर। तो टमाटर में पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। इसमें बहुत से ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए तो अच्छे होते ही हैं और इनका आप अगर फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके दाग धब्बे को एकदम परमानेंटली हटा देते हैं और आपके स्किन को एकदम बेदाग बना देते हैं। जो भी आपके स्किन पे सन टैन हो गया है उसे वो हटा देते हैं। तो हमें चाहिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो है टोमेटो। तो टोमेटो का हमें बस एक चम्मच उसका रस चाहिए तो हम इसे निचोड़ के इस तरीके से एक चम्मच रस निकाल लेंगे। ज्यादा हमें रस इसका नहीं चाहिए तो हमें बस इसका एक ही चम्मच चाहिए तो हमें इसको निचोड़ के एक चम्मच तो निकाल ही लेंगे। तो मैंने एक चम्मच इसका इस तरीके से जूस निकाल लिया। थोड़ा इसमें टोमेटो की प्यूरी भी है तो हमें वो भी आपके स्किन को बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ये लेमन। तो हमें चाहिए हाफ लेमन। तो लेमन में अगेन विटामिन सी पाया जाता है जो आपके स्किन को एकदम रिपेयर करता है, जो आपके स्किन पे टैनिंग हो जाती है वो हटाता है, आपके स्किन को गोरा बना देता है। तो हमें चाहिए हाफ लेमन। अब लेमन को हम इसमें निचोड़ के इस तरीके से इसका जूस इसका भी निकाल लेंगे। और इन दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ये हमारी रेमेडी पूरी तरीके से तैयार है। तो क्योंकि ये रेमेडी आपकी बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए जिन लोगों की स्किन नॉर्मल टू ऑयली है उन लोगों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है, बट जिन लोगों की स्किन ऑयली भी है, दाग धब्बे भी है और सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव जिन लोगों की स्किन है उनके लिए थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, उनके स्किन पे रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी क्योंकि ये स्ट्रांग है इसके वजह से। तो इसका जो स्ट्रांगनेस है उसको कम करने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये रोज वाटर। तो आप इसमें
हाफ टेबल स्पून रोज वाटर ऐड करके आप अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आप इसमें रोज वाटर ऐड कर देंगी तो इसका स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाएगा और आपकी स्किन पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो भी फायदे हैं वो आपके स्किन पे सेम मिलेंगे, आपके दाग धब्बे पे ये पूरी तरीके से वर्क करेंगे। तो क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं इसे इसी तरीके से अप्लाई करूंगी। तो आपको सिंपल लेना है एक कॉटन का बॉल और इस रेमेडी में आपको इस तरीके से डिप करना है और बस आपको अपने चेहरे पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है चारों तरफ और थोड़ा कॉटन से ही आपको इसे अपने चेहरे पे जेंटली रब करना है, हार्ड से नहीं करना है, बहुत जेंटली जेंटली ही करना है। करीबन 5 मिनट तक आपको इसे इसी तरीके से डिप करना है वो लेकर और अपने चेहरे पे इस तरीके से रब करना है और जहां आपके दाग धब्बे हैं थोड़ा वहां आपको अधिक रब करना होगा, सपोज दैट ऐसे। और इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे करीबन 20 से 30 मिनट तक इसी तरीके से अपने फेस पर छोड़ दे ताकि इसका जो असर है आपको अच्छा मिले और आपके जो भी इस रेमेडी की जो भी बेनिफिट्स है वो आपकी स्किन के पोर्स तक अच्छे से जाए। तो इसीलिए आपको 20 टू 30 मिनट्स के लिए इसे अपने चेहरे पे इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। तो इसे आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है और 15 दिन तक आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। 15 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट साफ देखने को मिल जाएगा, आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो आपके स्किन सेल्स डैमेज होकर ब्लैक हो जाते हैं यानी कि दाग धब्बे हो जाते हैं तो उन्हें वो रिपेयर करता है और पुराने स्किन में कन्वर्ट कर देता है, आपके जो भी स्किन का कलर है उसमें कन्वर्ट कर देता है ये और आपके चेहरे को पूरी तरीके से बेदाग बना देता है और आपके चेहरे पे जितने भी टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से उन सभी को वो हटा देता है। जो आपका नेचुरल ग्लो है यानी कि जो आपकी स्किन का नेचुरल कलर है वो पूरा उभार कर ला देता है ये और आपके स्किन को पूरा हेल्दी बना देता है। तो यही था आज का मेरा वीडियो, आई होप मेरा ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो उसे एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है या फिर मन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको दूंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।